लगातार रूपमा परिरहेको मुसलधारे पानी झरीको कारण हिजो राति लगभग पाउने 11 बजेतिर सेवक रम्फू रेल परियोजनाको भालु खोलामा जुन कार्य भइरहेको थियो उक्त स्थानको सुरुङभित्र पहिरो जाँदा माटो र ढुङ्गाले पुरिएर 7 जनाको संख्यामा मजदुरहरू घाइते बनेका थिए भने जसमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 5 जना घाइते मध्ये 2 को अवस्था गम्भीर रहेको हुनाले सिलीगुडी रेफर गरिएको छ भने 3 जनाको कालेबुङ अस्पतालमै उपचार चलिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। म फोन अहिले आउँछु नि उता यहाँ टेक्नुहोस् त होला फोन त होला नि घरमा यता अलिकति गर्नु नि यता नजाउँ दिनमा कानुन चाहिँ के हालेर चेक गरेको होला यो निकाल्छ दाजु यो रडहरू निकाल्दैन यतिकै पारिपट्टिको बेसी भनेको मेरो हिसाबले 120-130 पुग्यो ल हजुर दादा क्या हुआ था घटना पता है आपको? वाल्टर फैस गिर गया था। कितने बजे हुआ? 10 बजे के आसपास रात को। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग काम कर रहे थे? 6 आदमी पूरे शिफ्ट में सभी को लगा। आप लोग कितने आदमी काम कर रहे थे? 6 आदमी। अच्छा, सबका स्थिति तो ठीक नहीं है? हाँ, सबको ही लगा, 2 आदमी स्पेयर हो गए। तो आप लोग उस समय क्या कर रहे थे, सो रहे थे? नहीं नहीं, हम लोग भी काम कर रहे थे फेस में। अच्छा, तो क्या हुआ था क्या? वो बोल्डर फेस से आ गया, बड़ा बोल्डर फेस से निकल के आ गया। आपका नाम? ठाकुरदास मुर्मू। ठाकुरदास मुर्मू। ठाकुरदास मुर्मू ब्रह्मो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। और जो जितने लोग इंजर्ड हुए वो सब भी हो गए क्या? सारे झारखंड से ही। इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था ये थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए मुझे। कल 10:30 बजे ऐसा खबर आया था कि ऐसा रेलवे कंस्ट्रक्शन T10 जो सहयोग रंगपुर रेल प्रोजेक्ट का ये है पार्ट है, उसमें जब काम चल रहा था अचानक सा वो रॉक्स कुछ स्लाइड होके गिरने की वजह से कुछ लोग इंजर्ड हो गए थे। पुलिस और वो कंपनी ITDCL का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँच गए और जितने इंजर्ड 7 लोग थे टोटल, उन लोगों को कैलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। तो वहाँ से फिर पता चल गया कि उनका बीच में से 2 लोगों को बचा नहीं पाए और इसके अलावा 2 लोगों को रात में लेट नाइट में फिर सिलीगुड़ी में हायर ट्रीटमेंट के लिए भेजा है एंड बाकी 3 लोग जो है दे आर इन कैलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है सर, अभी काम बंद है या फिर काम बंद किया हुआ है? बंद किया है।